अब आपको लिए चलते हैं बरार स्क्वायर पर, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए खुद रक्षा मंत्री पहुंचे हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री पहुंचे। शहीद हरजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं और 2 मिनट का मौन रखा गया है। सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को विदाई दी जा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का परिवार, उनके पिता भी सेना में, परिवार के कई लोग सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। CDS के स्टाफ मेंबर, CDS जनरल बिपिन रावत के स्टाफ मेंबर थे। राजस्थान के अजमेर का उनका परिवार रहने वाला। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सभी ने नम आंखों से उनको विदाई दी। सीहोर की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर बरार स्क्वायर की जो आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं बरार स्क्वायर में। बरार स्क्वायर में उन्होंने श्रद्धांजलि दी है लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को। सीहोर मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर शहीद जितेंद्र कुमार के अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे। CDS जनरल बिपिन रावत के स्टाफ मेंबर्स, हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद निधन हुआ और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर सभी शहीदों के घर पहुंच रहे हैं। कुछ का अंतिम संस्कार हो गया है। CDS जनरल बिपिन रावत के अस्थियों का विसर्जन कल हरिद्वार में VIP घाट पर हुआ और आज अंतिम विदाई दी जा रही है लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को बरार स्क्वायर में। शहीद गुरसेवक का पार्थिव शरीर अमृतसर में उनके घर पर पहुंचा तो पूरा माहौल में गम का माहौल पूरे इलाके में छा गया।
अमृतसर की तस्वीरें। शहीद गुरसेवक का पार्थिव शरीर जैसे पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया, आंखें भर आईं और परिवार के सदस्य आंसू रोक नहीं पाए। दूर दूर से लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। शहीद गुरसेवक का पार्थिव शरीर पहुंचने पर लोग चाहते थे कि अंतिम दर्शन उनके कर ले। शहीद नायक गुरसेवक सिंह MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में शामिल थे। 31 साल के थे, उम्र सिर्फ 31 साल। तरन तारन जिले के डोडे के रहने वाले, साल 2004 में ही सेना में भर्ती हुए थे। अभी तो उम्र इनकी सिर्फ 31 साल थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वैभव परमार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। वैभव, अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी, और कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? बिल्कुल राजीव, देखिए 2:30 बजे करीब जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं हरजिंदर सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो 2:30 बजे के करीब यहाँ आया, और अभी राजनाथ सिंह जो हैं वो भी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और लास्ट राइट्स पे करके जो राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पर निकले हैं। श्रद्धांजलि उन्होंने दी है और साथ ही साथ कहीं आर्मी के बड़ी अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल राजनाथ सिंह यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी अंदर जारी है। आपको बता दें कि जो 13 जो अधिकारी जो थे, जो जवान थे, वो शहीद हुए थे, जिसमें बिपिन रावत भी थे, उनकी वाइफ भी थी, और जो बचे हुए 11 लोग थे उन्हें उनमें से आज कुलदीप जी और जो लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह जी थे उन्हें आज यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, जिसमें अमृतसर में पैतृक गांव में कुलदीप जी का जो है अंतिम संस्कार हो रहा है, और दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में जहाँ पर बिपिन रावत जी का और उनकी पत्नी मधुलिका जी का जो है अंतिम संस्कार किया गया था, यहीं पर हरजिंदर सिंह का भी जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो जारी है। राजनाथ सिंह आए थे यहाँ पर, और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जी भी आए थे यहाँ पर, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद फिलहाल वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन कई आर्मी के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी और जो तमाम जो सैन्यकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो शहादत इन जवानों की हुई है, उसके बाद देखा जा रहा था कि किस तरीके से पूरा देश जो है भावुक था, आज भी जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं लगातार, और लोग कहीं ना कहीं भावुक हैं। ये तस्वीरें हम सीधे बरार स्क्वायर से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि एक सैनिक को ये अंतिम विदाई, अंतिम सलाम लोग करना चाहते हैं, आखिरी विदाई उन्हें देखना चाहते हैं। तो ये एक भावभीनी श्रद्धांजलि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई, और अब से कुछ ही देर में जो है उनकी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी वैभव, आप नजर बनाए रखें, ये सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के परिवार के लिए मुश्किल वक्त नहीं है। आंखों में आंसू सिर्फ उनके परिवार के नहीं, पूरा देश गमगीन है, और ये पूरे देश के लिए मुश्किल वक्त है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।